सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा वैसे स्टूडेंट्स जो इस बार जेई मेंस 2019 जनवरी में देने जा रहे हैं, तो उन्हें पता होगा कि इस बार एग्जामिनेशन ऑफलाइन नहीं होंगे, इस बार आपका एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा और एग्ज़ाम ऑनलाइन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA कराएगी। तो NTA ने अपने ऑफिशियल साइट पर मॉक टेस्ट डाल रखा है, जिससे वैसे स्टूडेंट्स जो अभी तक ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिए हैं उन्हें बेनिफिट हो सके। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा मॉक टेस्ट के थ्रू कि कैसे जेई मेंस 2019 ऑनलाइन देना है। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं। सबसे पहले कोई आप इंटरनेट ब्राउजर को ओपन कीजिएगा। मैंने क्रोम को ओपन किया। ओपन करने के बाद आपको गूगल पे सर्च करना है, टाइप करना है NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। जैसे ही आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी टाइप कीजिएगा, इसका ऑफिशियल साइट खुल गया। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये ऑफिशियल साइट है इसका, और ये खुल गया है, और ऑफिशियल साइट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के ऑफिशियल साइट पे क्लिक कीजिएगा, इसके बाद दूसरा पेज खुलेगा, और दूसरा पेज में आपको सबसे ऊपर में लेफ्ट कॉर्नर में मॉक टेस्ट दिख रहा होगा। इस मॉक टेस्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही मॉक टेस्ट पे आपने क्लिक किया, सिलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन का ऑप्शन आएगा। सिलेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन में अगर आप जेई मेंस के लिए देना चाहते हो तो जेई मेंस सेलेक्ट कीजिएगा, और पेपर वन या टू जिसके लिए भी देना चाहते हैं वो पेपर को आप सेलेक्ट कीजिएगा। मैं यहाँ जेई मेंस और पेपर वन के लिए मॉक टेस्ट देने के लिए रेडी हूँ, तो मैं जेई मेंस और पेपर वन को सेलेक्ट करता हूँ और स्टार्ट मॉक टेस्ट पे क्लिक करता हूँ। और ये देखिए आपका इसके बाद जो पेज खुला, इसमें आपको लॉगिन और पासवर्ड डालना है। लॉगिन में आप यूजर नेम में क्या डालिएगा, अपना नेम डालिएगा, और पासवर्ड में आपको अपना DOB डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है। जो आप एग्जामिनेशन देने जाइएगा वहाँ पे आपके पास वर्चुअल कीबोर्ड रहेगा, और उसके हेल्प से आप यूजर नेम और पासवर्ड डालिएगा। पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ जब आप डालिएगा तो उसमें स्लैश नहीं डालना है। क्या नहीं डालना है, स्लैश नहीं डालना है, तो स्लैश को नहीं डालना है वहाँ पे। तो चलिए यूजर नेम में मैं टाइप करता हूँ अखिलेश मिश्रा। पासवर्ड में मैं डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ, और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। और ये देखिए मेरा जनरल इंस्ट्रक्शन का ऑप्शन खुल गया है। इसके बाद कह रहा है चूज योर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज, आप जिस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं उस लैंग्वेज को आप सेलेक्ट कीजिए। मैं इंग्लिश में देना चाहता हूं तो मैंने इंग्लिश को सेलेक्ट किया। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस है। जनरल इंस्ट्रक्शन में आप जान रहे होंगे कि जेई मेंस में पेपर वन होता है, पेपर टू होता है, 3 आवर्स के होते हैं, नेगेटिव मार्किंग -1 होता है, और करेक्ट आंसर पे आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए मैं आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन का बताता हूँ कि जो क्वेश्चन आपको डेस्कटॉप पे आएंगे उसे कैसे ट्रीट करना है। अगर आप क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन को विजिट नहीं कीजिएगा तो वाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है और उसका आंसर आप नहीं देते हैं तो रेड हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो ग्रीन हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर में थोड़ा सा डाउट है, कि मान लीजिए आप क्वेश्चन को सॉल्व किए और आप थोड़ा सा डाउट है लेकिन 100% या 90% तक भी कंफर्मेशन नहीं है, तो आप उसे मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ सकते हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व किए और 10% डाउट है तो आप उसे सेव कर लीजिए, और एंड में आप सोचिएगा कि मान लीजिए आपके पास टाइम बचेगा तो आप इसे अच्छा से जज कर लीजिए, लेकिन अभी आप इसे सेव कर लीजिएगा। तो सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू पे आपको क्लिक करना होगा और ये ऐसा दिखेगा। इसके बाद चलिए आप नीचे आइए और इसे जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसे आप पढ़ लीजिए, और उसे समझने के बाद एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद प्रोसीड पे, ये देखिए ये प्रोसीड है, इस पे
क्लिक कर दीजिए। इसके बाद देखिए आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जेई मेंस का मॉक टेस्ट ओपन हो गया। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के 30-30 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन है और ये 3 आवर्स का है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। और मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 को आपने सॉल्व किया और इसका सॉल्व करने के बाद आंसर आपको 3 आया, तो आप ये कन्फर्म है कि इसका आंसर 3 होगा, तो सेव एंड नेक्स्ट के बाद दूसरे क्वेश्चन पे आप आइए। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आप आ गए। सेकंड क्वेश्चन को मान लीजिए आपने सॉल्व किया और इसका आपका सॉल्व करने के बाद आंसर आपको 1 आया, और 1 आने के बाद अगर आपको इस पर डाउट है, मतलब लग रहा है कि सही है लेकिन 10% डाउट है, तो आप इसे सेव कर लीजिए ताकि समय बचेगा एंड में, तो आप इसे एक बार और जज कर लीजिए। तो सेव एंड मार्क फॉर द व्यू, तो सेव एंड मार्क फॉर द व्यू में कैसा आता है, तो इस पे देखिए ब्लू आता है, ब्लू पे थोड़ा ग्रीन रहता है। तो देखिए ऐसा हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 को आपने सेव एंड नेक्स्ट, मतलब पूरा कन्फर्म था कि उसका आंसर यही होगा, तो देखिए 1 पे कैसा आया, मैंने बताया था ना ग्रीन आएगा, तो ग्रीन आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं और ये क्वेश्चन मान लीजिए आपको नहीं आता है, तो आपको क्या करना है, आपको कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 को आपने स्किप किया है, आंसर नहीं दिया है, तो आंसर नहीं देने पे क्या आता है, रेड आता है। तो रेड देखिए आ गया। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 आप सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं और इसका आंसर मान लीजिए सॉल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर 2 आता है, लेकिन ये ऑप्शन पे आपको लग रहा है कि डाउट है, मतलब सही नहीं लग रहा है, कुछ कुछ गलत लग रहा है, तो आप इसे मार्क फॉर द व्यू एंड नेक्स्ट कर सकते हैं कि एंड में टाइम बचे तो इसे हम देख सकें। तो मार्क फॉर द व्यू एंड नेक्स्ट, मार्क फॉर द व्यू एंड नेक्स्ट में क्या होता है, ब्लू होता है, इस पे ग्रीन नहीं होता है, सेव वाला पे ग्रीन आता है, ब्लू पे इस पे केवल ब्लू आता है। तो देखिए ब्लू आ गया। मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका कुछ आंसर देते हैं, सॉल्व किए हैं, आंसर मान लीजिए 1 आया और आंसर कन्फर्म है, तो सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, इस पे आप आंसर दे दिए, सेव एंड नेक्स्ट मतलब आंसर दे दिए और कन्फर्म आंसर पे क्या आता है, तो ग्रीन आता है, देखिए ग्रीन आ गया। ऐसे ही आप करते करते 3 आवर्स में 90 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 90 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, तो टाइम बचते पे जो जो आप मार्क फॉर द व्यू है उसे आप जज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मार्क फॉर द व्यू मेरा 2 था, मार्क फॉर द व्यू मेरा 2 था, तो 2 पे हम लोग जाएंगे, तो 2 मेरा क्या है भाई, तो 2 पे मैंने मार्क फॉर द व्यू लगा रखा है एंड सेव कर रखा है। तो सेव कर रखा है, ये देखिए यहाँ पे ये एक क्वेश्चन को मैंने आंसर एंड मार्क फॉर द व्यू एंड एक को मार्क फॉर द व्यू लगाया है, तो इसे आप बाद में टाइम मिलने पे जज कर सकते हैं। तो ऐसे कर कर के आप 90 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। इसके बाद आप टेस्ट को देने के बाद सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। सबमिट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो एग्ज़ाम समरी में आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सॉल्व किया, कितना क्वेश्चन का आंसर दिया, कितना क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, कितना को मार्क फॉर रिव्यू रखा, कितना को आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू रखा, कितना पे आप नॉट विजिटेड हुए, ये सब आपको डिटेल्स देगा और एंड में कहेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट फॉर फाइनल मार्किंग, नो चेंजेज विल बी अलाउड आफ्टर सबमिशन। सबमिशन के बाद कोई चेंज अलाउड नहीं है। तो मान लीजिए हम इसको सबमिट करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कर दिए। थैंक यू, योर रिस्पॉन्सेज विल बी सबमिटेड फॉर फाइनल मार्किंग, क्लिक ओके टू कम्प्लीट फाइनल सबमिशन। और इसके बाद ये आपका फाइनल हो गया, सबमिट हो गया। ऐसे आप जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जेई मेंस 2019 जनवरी में देंगे तो वहाँ पे 3 आवर्स के बाद सबमिट नहीं कीजिएगा तो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और वीडियो को आप बहुत इंजॉय किए होंगे। तो चैनल पे ऐसे ही आप प्यार बनाए रखिए, वीडियो को कीजिए लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स।